Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. अंजू का बर्थडे है, इंडियन मॉम इन लंदन का बर्थडे है, उसका सेलिब्रेशन की तैयारी चल रहा है यहाँ पे। और अब सवेरे उठ गया था मैं, कितने बजे उठा मैं? कुछ 6:30-7 बजे उठ गया था। I heard the alarm, हाँ। But then I thought that you said work purpose. So I was like, oh, and I completely forgot. And then I realized when I like kind of opened my eyes, like, oh, that's why he went. And then yeah, I came down. बहुत खुशी आई और हेल्प किया। देखो अभी बना रहे हैं हम लोग। देखो खैर सपोर्ट के लिए कौन है? देखो असिस्टेंट नाइलो भी हमारे साथ में, सवेरे से मेरे साथ में है ये भी। गुड मॉर्निंग, आज मेरा बर्थडे है। अभी टाइम इधर 8 बज गया, मैं थोड़ा लेट से उठ गई क्योंकि सैटरडे भी है। और हर बार की तरह है ना, ये लोग कुछ डेकोरेशन कर रहा होगा उधर, लेकिन अभी तक किसी ने आकर, देखो उधर माइलो के साथ खेल रही खुशी, मुझे आकर नहीं उठाया। इसलिए मैं सोच रही हूँ मैं सीधा जाकर उनको सरप्राइज दे देती हूँ, अगर उन लोगों ने रिकॉर्ड नहीं किया तो दोनों का शायद फ्लॉप भी हो सकते हैं, शायद कुछ डेकोरेशन भी नहीं किया होगा। अच्छा माइलो बेबी गो बोल रहे, जाओ जाकर सोने का नाटक कर लो। मैं बहुत टाइम तक नाटक किया है सोने का, लेकिन कितना टाइम लेट जाओ। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Now, बजे तक मुझे मालूम। देखो उधर देखो। ओह। क्या बोल? पैसा उड़ाकर सॉक्स लेके बैठ। भाई लड़का। खुशी देखे। दो happy birthday बारा। Happy birthday बारे। जुमसी के बीच में एक झगड़ा हो गया, मेरा और जुमसी के बीच में। एक्चुअली झगड़ा होने का एक्टिंग कर रही हूँ मैं, ये उससे है ना मुझे ब्रेकफास्ट बनवाना है। झगड़ा मैंने कैसे स्टार्ट किया है, मैं संतोष मुझे नीचे लेके जा रहे थे, खुशी संतोष, तब जुमसी है ना बाथरूम गया है, 15 मिनट लेट कर दिया उसने बाथरूम में। मैंने बोला मेरा बर्थडे है, इसने मुझे सिंपल सा एक चीज से उसको पूरा दिन मैं ब्रेकफास्ट बर्थडे 15 मिनट इसने बाथरूम में जाकर ट्राई कर, 15 मिनट उसने लेट करवा दिया, इसलिए थोड़ा सा उत्साह होने का हक है ना। कोई भी लड़का ऐसा देखा है माँ को या सिस्टर को या किसी को भी, एक अम्मू माँ को सिर्फ उसका नानी को हक देते हैं, हम लोग ऐसे हक लेना पड़ता है। ये संतोष ने दिया होगा, संतोष ने खुशी संतोष ने दिया है। चुंगसी का गिफ्ट है वो, चुंगसी
ये तो खुशी का ही होगा. Always dreaming. That is mine. Always dreaming. ये तो obviously संतोष कुमार का है. अच्छा है वो. Okay. This is my present. तो खुशी का पहला present आ रहा है संतोष कुमार का. हाँ. वो माँ. माँ. मैंने बोला था मुझे इस बार गिफ्ट की जरूरत नहीं है क्योंकि संतोष ने मुझे एक बहुत अच्छा गिफ्ट दिया है. माइलो का बर्थडे व्लॉग में मैंने बोला था मुझे एक चीज चाहिए. संतोष ने बोला वो कैसे होगा ऐसा बोला था. एक्चुअली उसने वो पूरा कर कर दिया है. वो मैं थोड़ी देर के बाद आप लोगों को दिखाऊंगी. अभी इधर मेरे लिए ब्रेकफास्ट का तैयारी हो रहा है. चुम्स बनाने जा रहे हैं. और ये मैडम है ना उसको बनाना है. नहीं मुझे चुम्स ही बनाना है. आग्रह होता है कुछ दूसरा कुछ बनाएंगे. इतना लेसी लड़का है ना. Do you like my present though? हाँ वो बहुत पसंद आया. Olive green thing. वीडियो कौन सा है वो दिखाते हैं. देखो इसका संजीव कपूर है ना कुणाल कपूर. कुणाल कपूर ने बनाया. देखो एक ब्रेकफास्ट रेसिपी है. They only put half of it. No. They put half. Can I put one? Can I put half? Can I put one in? Oh, look at this. हमारे पास ब्रेड नहीं है इसलिए हम लोग ये बर्गर बनाना वो यूज कर रहे हैं. नेक्स्ट ईयर तुम्हारा गर्लफ्रेंड को नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर कभी भी तुम्हारा गर्लफ्रेंड को बना कर खिला सकते हैं. फिर थैंक यू बोलेंगे अम्मा को. शुगर एक्चुअली ये मेरा नहीं चुम्सी का फेवरेट है. चुम्सी को बहुत पसंद है ब्रेड के ऊपर घी और शुगर डालकर खाना. दिस मिल्क. हाँ मिल्क इसका वो भी ट्राई कर लेते हैं. हमारे पास में कस्टर्ड पाउडर नहीं है तो कस्टर्ड पाउडर की जगह अभी हम लोग ये मिल्क पाउडर यूज करके बना रहे हैं. देखो अभी थोड़ा दूध डाल के मिल्क पाउडर भी डाल मिक्स कर दिया. अंजू का जो है मनोकामना था ये गिफ्ट जो है खुश चुम्सी से एक ब्रेकफास्ट मिलेगा वो मिल रहा है. मैं हमेशा बोलती हूँ मुझे बर्थडे में ना बड़ा बड़ा गिफ्ट कुछ भी नहीं चाहिए. सुबह उठकर आकर मेरे लिए खाना ऐसे डिफरेंट टाइप डिफरेंट कॉफी सुना गया ये लड़का है ना. मेरे कॉर्नफ्लेक्स बना के देता हूँ मैं डिफरेंट तरीके खाना. अभी देखो ये धीरे करके कर गए. मुझे लगता है कस्टर्ड पाउडर है तो और टेस्ट है. मिल्क पाउडर का टेस्ट अलग है ना. कस्टर्ड पाउडर तो थोड़ा जल्दी थिक हो जाता है. हाँ अभी थोड़ा थिक नहीं हो रहा है तो टाइम ले रहा थिक होने में. मैं रेडी हो गई हूँ. मैं और संतोष बाहर जा रहे हैं लंच करने के लिए. आप लोग गेस कर सकते हैं हम लोग किधर जा रहे होगा लंच करने के लिए. कभी भी कोई चेंजेस नहीं है हमारे लाइफ में. फिक्स्ड है वो सब चीजों में फिक्स्ड है. एक और चीज हम लोग को हैरो जाना है. मेरी एक है ना हैरो ही है ना हॉर्नस्लो टूटिंग. हाँ टूटिंग टूटिंग या हैरो अंबाला स्वीट्स उधर जाना है क्योंकि मेरी मतलब हमारी फैमिली फ्रेंड कौन है मतलब उनका परमिशन के बिना मैं नहीं बोल सकता है ना. वो अभी पेट से है 6 मंथ है और हमारा घर का ऐसा एक रीति रिवाज है 6 मंथ का मतलब फैमिली में कोई प्रेग्नेंट हो गया तो फैमिली में या नेबर्स कोई भी प्रेग्नेंट हो गया तो है ना 6 मंथ में देखने के लिए गया तो 6 तरह का स्वीट्स लेके जाना है. 5 मंथ्स है तो 5 तरह का स्वीट्स.
सिक्स है तो सिक्स तरह का सीड्स, अभी सिक्स मंथ चल रहे हैं तो मैं सिक्स तरह का सीड्स लेने जा रहे हैं। पता नहीं उधर होगा भले सोच में तो होगा। मैंने आप लोगों को बोला है ना, संतोष ने मुझे एक जबरदस्त गिफ्ट पहले से दिया था, मतलब पूछ कर मैंने लिया है। वो गिफ्ट क्या है वो दिखाते हैं। क्या हमारा पकड़ लो, पहले ये गिफ्ट दिखा दो। ये संतोष ने आज गिफ्ट दिया है ना, वेट रस है, बहुत अच्छा है एकदम, बहुत सुंदर है, मुझे भी पसंद आ गया, बहुत कंफर्टेबल भी है। और गिफ्ट है ना, बताती हूँ, ये नहीं, ये आप लोगों को याद होगा लास्ट अक्टूबर में या नवंबर में, ये हमारा फूड वेस्ट डिस्पेंसर, हाँ फूड वेस्ट डिस्पेंसर खराब हो गया था। अभी ऑलमोस्ट एक साल होने वाला है, मैं हर महीने उसको बोलता है। एक्चुअली उसने दो तीन लोगों को बुलाया था, लेकिन लोग बोल रहे हैं इसका एक मशीन है वो अवेलेबल नहीं है। और फिर संतोष ने भी वो भूल गया। मैं बोला जब मैं इंडिया से आ रहा तब तक ये फिट कर लो, तभी भी नहीं। पापा मम्मी आए तब फिट करने वाले, तभी भी नहीं। उसने वो हाँ कल करेंगे, लेकिन मैंने इस बार बोला अगर बर्थडे में वो नहीं दिया तो फिर मेरा बर्थडे मत सेलिब्रेट कर लो। फिर उसने वो थर्सडे को एक आदमी आया था, उसने पूरा सेट सब लेकर आकर फिट कर दिया। संतोष का ऑफिस से कॉल आ गया, हैप्पी बर्थडे। मैंने पूछा क्यों बोल रहे हैप्पी बर्थडे, तुम्हारा गिफ्ट है तुमको मिल गया तो फिर तुम्हारा हैप्पी बर्थडे हो गया ना। मतलब जिनको पता नहीं उनको बताती। अच्छा स्वामी ब्लॉग में शायद दिखाया था, मतलब कुछ नहीं है हमारा, कुछ फूड बेस्ड है, नॉन वेज नहीं है, वेजिटेरियन। कुछ भी इसमें गिर गया तो ऐसे पानी ऑन कर लो, ये उठा दो और ये प्रसाद एक्स्ट्रा का जाएगा इतना। ये मुझे सीरियसली मुझे इतना मुश्किल हो रहे थे। अभी हम घर में चार लोग हैं तो प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बीच में पापा मम्मी आया, कोई भी कोई गेस्ट लोग आ रहे थे, तब इतना मुझे मुश्किल हो रहा था। क्योंकि खाना ज्यादा बना रहे तो है ना उसमें कचरा भर जाता है, थोड़ी बहुत खाने इधर गिर जाता है ना, तब है ना पानी नीचे नहीं जाता है, नॉर्मल सिंक जैसा नहीं है, इसके नीचे वुड है, गीला हो गया, हाँ इसका नीचे वुड है, वो पानी नीचे नहीं जाता है, पूरा सिंक में पानी भर जाता है। इतना मेरे लिए मुश्किल था, लेकिन ये फिक्स करने के बाद मैं इतना हैप्पी हूँ। बाकी सब गिफ्ट नहीं मिले तो भी है ना मैं ठीक हूँ। चलो अभी जाकर आती हूँ। टाइम बहुत हो गया, मतलब 7:42 हो गया, अभी केक कट करने जा रहे हैं। आजकल हमारा एक मिनट दिखाते है, आजकल हमारा फेवरेट है ना मैंगो वाला केक, मैंगो केक वो ये। हैप्पी बर्थडे मुझे। क्या क्या है दिखाते हैं, आ जाओ। सबसे पहले ये दिखाते हैं, तो ये पापड़ी चाट, उसमें डालने के लिए ये है इधर आलू टिक्की, रायता। और ये क्या क्या ऑर्डर किया संतोषी बताएंगे, मुझे नहीं मालूम है। दो चिकन बिरयानी है और एक वेजिटेबल बिरयानी है। चिकन बिरयानी और ये वेजिटेबल बिरयानी, नहीं ये वेजिटेबल, हाँ वेजिटेबल बिरयानी। और ये मटन करी, मटर पनीर, चिकन करी, चिकन मखनी। और ये क्या है, वो भी एक चिकन है, ये भी एक चिकन, हाँ चिकन ही है ये। और इसके अंदर है दो रोटी और दो नान। और बिरयानी ऑर्डर किया तो आप लोगों को मालूम है ना चिंग्स नहीं खाएगा, तो देखो इसलिए खुशी चुंसी के लिए बनाया प्लेन व्हाइट राइस। चलो बिल्कुल खाना खा लेते हैं। हेलो, पहले स्ट्रेचिंग करना है, मतलब स्ट्रेचिंग करना वो करना है स्ट्रेचिंग के साथ ही। वो
योगा क्लास फिनिश हो गया, मतलब सुबह के एक वॉक और उसके बाद योगा, मतलब पूरा दिन है ना इतना अच्छा लगता है। जिन लोग योगा करते हैं ना उनको ये फीलिंग मालूम होगा। और हाँ, अगर आप लोगों को मेरे बहुत सारे लोगों ने ना नेहा के बारे में पूछा है मेरा, मतलब योगा ज्वाइन करने के लिए, मैं नंबर है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और नेहा है ना अभी बिगिनर्स के लिए क्लास, अभी 9:30 है ना, 9:30 का टाइम है बिगिनर्स के लिए, हाँ फिर से शुरू किया है 9:30 का टाइम, मतलब मेरे साथ ही है अभी। मैं 9:30 फिर एक दिन छोड़कर, एक दिन 9:30 है तो दूसरा दिन 12 o'clock होता है, क्योंकि होता है। और किसी को अगर नी पेन कुछ है तो है ना मिराक्लेस, सच में मैं मतलब मेरे एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, अगर कुछ बॉडी में कुछ पेन है तो है ना, मतलब बॉडी पेन बैक पेन ऐसा कुछ तो है ना, उसी के लिए नेहा स्पेशल प्राइवेट लेसन, मैं भी बीच में प्राइवेट लेसन रहते थे मेरा नेक पेन के लिए, वो मैं बोला अभी मुझे नेक पेन इतना नहीं है। अगर आप लोगों को ज्वाइन करना है तो मैं नेहा, मतलब जो भी है आप लोग नेहा से बात कर लो, मैं उनका नंबर है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अभी खुशी का गिफ्ट दिखाना है ना आप लोगों को, प्रीशियस गिफ्ट। खुशी 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 का गिफ्ट है क्या बुआ? देखो यही गिफ्ट है, मतलब हर साल मेरा मन में है ना खुशी का ये गिफ्ट क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं है, लेकिन मैंने बोला नहीं है, मैं सोचा शायद बड़ी हो रहे 12 साल की हो गई, शायद कार्ड बनाना बंद कर दिया, लेकिन करेक्ट 12 बजे के 1-2 मिनट पहले आकर गिफ्ट दिया है। देखो हैप्पी बर्थडे, इधर जो भी लिखा है आप लोग ही पढ़ो, ये सबसे मतलब बेस्ट कीमती गिफ्ट है। आप लोग से कुछ व्यूअर्स है ना ये सोचा भी होगा खुशी ने कार्ड क्यों नहीं दिया, क्योंकि मुझे बहुत साल से फॉलो कर रहा है कुछ व्यूअर्स है ना, उनको मालूम है बर्थडे वेडिंग एनिवर्सरी ये सब में है ना खुशी का कार्ड हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं। फाइनली वो मिल गया, ठीक है। मेरा ब्लॉग भी मैं इधर एंड कर रहा है, आई होप आज का ये ब्लॉग मेरा बर्थडे ब्लॉग आप लोग को पसंद आया होगा। पसंद आ गया तो प्लीज इस वीडियो को खूब सारा लाइक करना और खूब सारा कमेंट करना भी भूलना नहीं, और सब्सक्राइब करना भी भूलना नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।